तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ईफर्स है उनमें से जो भी ईफर्स की एज हो गई है, जो गैबिन होने के लायक हो गई है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं। ये पूरा दिन हमारा दूसरा वाड़ा है वहाँ रहते हैं। शाम को यहाँ हम ये देख रहे हैं आप, ये 10 ईफर्स है, इसको हम यहाँ हम लेके आते हैं और शाम को यहाँ इसको अच्छा न्यूट्रिशन वाला फीड देते हैं, अच्छा चारा देते हैं, ताकि इसका वेट जल्दी से जल्दी बढ़े और ये हीट में आने लगे। तो इसको हम शाम को भी जो हमारी हरी जुवार है वो देते हैं और फीड में इसको जो हमारी कपास की खली आती है, यहाँ गुजरात में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ कपास की खली मिलती है, वो देते हैं। उसके अंदर हम चने की चूरी डालते हैं और मिनरल मिक्सचर, और जो भी हमें लगता है कि ये इसका वेट कंप्लीट हो गया है और इसको हीट में अब आना चाहिए, तो इसके अंदर हम सरसों का तेल भी डालते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी हीट में आ जाए। तो अभी हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये और ये दूसरी, ये दो है वो बाकी है हीट में आने के लिए। तो इसको हम शाम को कपास की खली, चने की चूरी और मिनरल मिक्सचर डालते हैं, साथ में हम इसको सरसों की तेल है उसका खुराक हमने इसको चालू कर दिया है ताकि ये जल्दी से जल्दी हीट में आ जाए। तो हमने यहाँ देखा है कि अगर आपके पशुओं को हीट में लाना है तो उसका बॉडी वेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो हीट में आएंगे। अगर इसकी हाइट ज़्यादा है मगर इसका बॉडी वेट नहीं है बराबर, तो ये हीट में आने वाले नहीं है। और तो साथ में आपको मिनरल मिक्सचर भी ज़रूर खिलाना है ताकि ये जो हमारे पशु होते हैं, कई पशुओं में इसकी गर्भाशय की अंदर जो थैली होती है उसका विकास नहीं हुआ होता, तो मिनरल मिक्सचर खिलाने से वो भी अच्छी तरह से इसका विकास हो जाता है, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। तो हम इसको मिनरल मिक्सचर अवश्य देते हैं। तो आप हमारे ईफर्स देख सकते हैं, ये धीरे धीरे करके तैयार हो गए हैं। तो आपको हमारे ईफर्स कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो आप देख रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन, और ये जो पीछे बैठी हुई है ये चार, ये चार, और ये आप पांच देख रहे हैं, गैबिन हो गई है, और एक हमारा वाड़ा है वहाँ पर एक है, छह गैबिन हो चुके हैं, और ये एक, दो, ये तीन, और पीछे देख रहे चार अभी बाकी है। तो इस पर जो चार बाकी है उस पर हम अभी मेहनत कर रहे हैं, इसको हम फीड देते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी पशु आपके यहाँ हीट में आ गए हैं और कंसीव हो गए हैं, तो उसको आप कॉटन सीट की खली और ऐसा मत खिलाइए, गर्म खुराक खिलाना बंद कर दीजिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छा चारा दीजिए। अगर आपके पास अच्छा चारा नहीं है तो आप उसको ठंडा खुराक जैसे कि मकाई है, गेहूं है, वैसा आप उसे खुराक दीजिए ताकि वो रिपीट ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। जो भी पशु हीट में आने में बाकी है उसको ही आप खली और ऐसा गर्म खुराक खिलाइए। जो भी आपके पशु हीट में आ चुके हैं और कंसीव हो गए हैं तो उसको फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिनरल मिक्सचर और मकाई का दलिया और गेहूं का दलिया, ऐसा ठंडा खुराक जो होता है वही आप दीजिए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में आके ज़रूर बताइए, और अंत में आप हमारा जो ये धमाबुल है वो आप वो कैसा है आप वो भी बता दीजिए। धमो, देखिए ये हमारा धमाबुल है, बहुत ही शांत स्वभाव का है, आप देख सकते हैं इसकी जो नाकर होती है वो भी हमने लगाई हुई नहीं है, क्योंकि एकदम शांत स्वभाव का है, अच्छी ब्रीड का है, और इसका जो मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी जो आने वाली नस्लें हमारे डेयरी फार्म पर आएगी बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी की आएगी, हमें ऐसा लग रहा है। और हमारी जो हीफर से देखिए आप, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारे पास यहाँ तैयार हो रही है। और कई लोग ये वीडियो में बनाता हूँ तो कहते हैं कि क्या आपको ये बेचनी है, तो मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ, हम जो भी हमारे हीफर्स है वो हमारे लिए यहाँ तैयार कर रहे हैं। हमें अभी यहाँ हमारे डेयरी फार्म पर कोई हीफर्स बेचना नहीं है। अगर
बेचना होगा तो मैं वीडियो उसको बना के आपको YouTube पर भेज दूंगा। तो हमें बेचने के लिए कोई हमें कमेंट ना करे।